अमीर वर्सेस गरीब का खेल। शरणापुर में अमीर कॉलोनी और गरीब कॉलोनी पास पास ही थे। अमीर कॉलोनी के प्रेसिडेंट को गरीब कॉलोनी के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। हमेशा उन्हें कोसता रहता था। एक दिन गरीब कॉलोनी के बच्चे सड़क पर लट्टू घुमा रहे थे, तभी रिच कॉलोनी का प्रेसिडेंट और उसका चेला उन बच्चों के पास गए। ये क्या बीच सड़क पर तुम लोग मस्ती कर रहे हो? ये सड़क क्या तुम्हारे बाप का है? और खेल भी क्या रहे हो लट्टू के साथ घुमाते हुए? इससे सड़क पर गड्ढे बन जाएंगे। सरकार, सड़क की बात तो छोड़िए, शिकायतें आ रही हैं कि कार के टायरों में ये सारे कील चुभ रहे हैं। कार का पंचर डलाते डलाते हालत खराब हो गई है। देखिए प्रेसिडेंट साहब, अगर आप और आपका ये चमचा जो मुंह में आए कहेंगे तो ध्यान रहे, इस लट्टू का कील काफी नुकीला है। अगर दिमाग खराब हो गया तो पंच नहीं पूरा टायर को काट डालेंगे। ये सब हंगामा होते हुए देखकर कुछ रिच कॉलोनी के बच्चे वहाँ पहुँचे। वे सब फिजेट स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर प्रेसिडेंट गरीब कॉलोनी के बच्चों से, देखो मेरे हीरे आ गए। अरे कमबख्तो, कुछ तो उनसे सीखो। देखो इसे कहते हैं खेलना। देखो कैसे खेल रहे हैं और किसके साथ खेल रहे हैं, जरा देखो तो सही, कितना बढ़िया घुमा रहे हैं उन स्पिनर्स को बैलेंस करते हुए। इसे कहते हैं खेल और एंजॉयमेंट। हाँ हाँ, और प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो, नहीं तो इनके माँ बाप तो ये मेंटेनेंस के पैसे नहीं देंगे ना। अरे इतने से हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो, कारों में पंचर करते हो गधो। देखो प्रेसिडेंट, जिसे जो खेल खेलना है वो खेलेगा, बीच में तुम क्यों टांग अड़ाते हो? वैसे तुम जैसों के मुंह लगना भी बेकार है। कहकर गरीब बच्चे सब वहां से चले गए। अगले दिन गरीब बच्चे खेल रहे थे कि लक्की नाम की एक अमीर बच्ची वहां पहुंची। हाय फ्रेंड्स, मेरे पास दो फिजिट स्पिनर्स है, मैं आपको दूंगी, क्या आप मुझे लट्टू चलाना सिखाओगे? मेरा भी जी कर रहा है कि मैं लट्टू घुमाऊं। देखो हम रिच कॉलोनी वालों के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहते, हम अच्छे नीयत से तुम्हें सिखाएंगे तो तुम्हारा प्रेसिडेंट पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आ जाएगा और हमें पंचर चोर ना जाने क्या क्या कहेगा। अगर ये सब बातें हमारे माँ बाप ने सुन ली तो बस हमें बहुत मारेंगे। नहीं, वो प्रेसिडेंट अंकल की बात नहीं है, सचमुच में पहली तारीख से 10 तारीख तक हर एक के कार पंचर हुआ है, पता नहीं ये कैसे हो रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? यानी प्रेसिडेंट झूठ नहीं बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम अपने दोस्तों को भी बुलाओ, रात को हम कॉलोनी में पहरा देते हैं, अगर एक रात को हमने पहरा दिया तो चोर को पकड़ लेंगे। यूं उस रात को लकी के फ्रेंड्स और दीपक के फ्रेंड्स कारों के पास पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद कॉलोनी का प्रेसिडेंट और उसका चमचा चोरी चोरी वहां पहुंचे और कारों को पंचर करने लगे। तब सब बच्चों ने मिलकर उन दोनों को घेर लिया। फिर सबने अपने माँ बाप को बुलाया और उन सब से ये बात कही। तब सब बच्चों के माँ बाप ने मिलकर प्रेसिडेंट और उसके चमचे को खूब मारा। वे दोनों वहां से भाग गए। फिर सब ने दीपक और उसके दोस्तों की खूब प्रशंसा की। उन्होंने दीपक और उसके फ्रेंड्स को फिजेट स्पिनर्स गिफ्ट में दिया। फिर गरीब बच्चे और अमीर बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। अमीर बच्चे गरीब बच्चों से लट्टू घुमाना भी सीखने लगे।